और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़, जहां पहले से ही पहलवानों पर मुश्किलों के बादल छाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और नई मुश्किल आन खड़ी हुई है, जिसको लेकर कई पहलवानों ने अपने बयान जारी किए हैं और गुस्सा जाहिर करते हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट का भी बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को 24 अगस्त को समाप्त कर दिया है। विश्व कुश्ती संघ के इस फैसले ने भारतीय पहलवानों की मुश्किलें और भी खड़ी कर दी हैं। इसके कारण भारतीय पहलवान देश के झंडे के अंतर्गत हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यानी कि खेल नहीं खेल सकेंगे। विश्व कुश्ती संघ ने यह फैसला WFI के चुनाव नहीं होने की वजह से लिया है, जिसके चलते अब 16 सितंबर से होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों को ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेना होगा। ये बात सामने आई है। इसी के साथ आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद 45 दिन के अंदर चुनाव ना होने के चलते भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों को इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इस पर विनेश फोगाट ने सारा जिम्मेदार बृजभूषण शरण सिंह को ठहराया है। बृजभूषण की खूब आलोचना करती हुई नजर आई है। इसी को लेकर विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। दरअसल विनेश फोगाट ने कहा है, बृजभूषण के कारण भारतीय कुश्ती को कितना नुकसान हुआ है, अगर इसका सही आकलन किया जाए तो ये सही तस्वीर सामने आ जाएगी। इस माफिया के कारण तिरंगे का अपमान हुआ है, ये बात यहाँ पर विनेश फोगाट कहती हुई नजर आई। इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती के लिए काला दिन बताया, क्योंकि खेल की राष्ट्रीय संस्था को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने समय पर चुनाव न कराने के कारण निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ इन लोगों का बयान ही सामने नहीं आया, बल्कि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। और बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसे मौके पर कहा है, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ये सारी चीजें ठीक हो जाए, देश जल्द ही इस आघात से बाहर निकल जाए। ये बयान यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का सामने आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण चुनाव टल गया था। लेकिन जिस तरीके से मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में देखा जाए तो क्या अब यहाँ पर कोई बड़ा फैसला होता हुआ नजर आएगा, क्या भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव होगा? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रोक लगाई गई है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द चुनाव हो पाए। तो अब ये देखना होगा कि चुनाव कब तक होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।